उसके बाद थी क्रोनिक माउंटेन सिकनेस। क्रोनिक माउंटेन सिकनेस में हम देखते हैं, अब हमने एक क्लाइमेटाइजेशन में बोला है कि आरबीसी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। इन दोनों के इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है ना वो बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाता है, विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि विस्कोसिटी इतनी हो जाती है कि जो फ्लो है ब्लड फ्लो वो बहुत ही कम हो जाता है। तो फिर फ्लो अगर कम होने लग जाएगा तो फिर ऑब्वियसली हमारी ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाएगी। इसके ज़्यादा होने से क्या होएगा, अगर फ्लो ही बहुत ही कम हो गया, विस्कस हो गया इतना ज़्यादा फ्लूड, ठीक है, तो हिमाटोक्रिट और रेड ब्लड सेल इतना एक्सेप्शनली हाई हो जाता है, ठीक है, कि ऑक्सीजन जो है वो उसकी डिलीवरी कम हो जाती है। दूसरा पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टेरियोल्स हैं वो क्या होती हैं, वो हो जाएंगी हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट। हमने अभी पता बताया कि कॉन्स्ट्रिक्शन होती है पल्मोनरी आर्टरीज की जब हाइपोक्सिया होता है, सही है। तो अगर पल्मोनरी आर्टेरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी हाइपोक्सिया की वजह से, तो फिर अगर सारी की सारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, अब इसके अंदर जो है पल्मोनरी आर्टेरियोल्स, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड ला रही है उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो पल्मोनरी का आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज़ इतना हो जाता है, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी को देता कौन है, राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट हार्ट देगा ना। अब राइट हार्ट को इतना इतना ज़ोर से पंप करना पड़ता है क्योंकि पल्मोनरी आर्टेरियल्स में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि वो कंस्ट्रिक्टेड है, सारी की सारी कंस्ट्रिक्टेड है हाइपोक्सिया की वजह से, तो कंस्ट्रिक्टेड है सारी की सारी, इसलिए राइट हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो पल्मोनरी साइड है यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, सही है। लेकिन अगर हम लोग उसकी बात करें सिस्टेमिक की, सिस्टेमिक में क्या होता है, जो सिस्टेमिक पार्ट है हमारा, सिस्टेमिक पार्ट में हमें पता है कि वेजो डायलेशन होनी है ना, जब हाइपोक्सिया होता है ऑक्सीजन की कमी होती है तो वेजो डायलेशन होती है। तो वेजो डायलेशन जब होएगी तो फिर जो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो फिर सिस्टेमिक में क्या होती है, हाइपोटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड इधर की हाइपोटेंशन। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए कंस्ट्रिक्शन वगैरह, तो राइट हार्ट को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और इवेंचुअली राइट हार्ट जो है वो फेल हो जाता है, या फिर बहुत ही एक सबसे पहले क्या होगा, एनलार्जमेंट होगी राइट हार्ट की, राइट हार्ट एनलार्ज हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं हो पाता तो फिर एंड में हार्ट फेलियर हो जाएगा। और ये सब का बस एक ही होता है कि बंदे को, जो भी इंसान है उसको नीचे लोअर लेवल पे ले आओ, लोअर ऑल्टीट्यूड पे ले आओ, ठीक हो जाता है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइपरबारिक ऑक्सीजन दो हल्के हल्के,